पब्लिक टीवी आपकी आवाज। दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के बैनर तले अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री कार्यालय को प्रशासन द्वारा हटाए जाने के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है, जिसको लेकर अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर में खुल रही दुकानों को बंद कराया और हड़ताल में सहयोग करने की बात कही। इस बारे में जब दीबार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष विनय कौशिक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जब तक प्रशासन द्वारा रजिस्ट्री कार्यालय को वापस लाने का प्रयास नहीं किया जाएगा तब तक अधिवक्ताओं की यह हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगी। हमारा 17 फरवरी से बराबर आंदोलन चल रहा है। अचानक DM साहब ने हमारी रजिस्ट्री ऑफिस को न्यू मुरादाबाद में ले गए, जबकि जो कोई भी कलेक्टर या जज कोई नया काम करते हैं तो बार की सहमति लेते हैं। उन्होंने बिना सहमति लिए हुए रात के किसी टाइम भी अचानक जहाँ से रजिस्ट्री ऑफिस वहाँ नया मुरादाबाद में शिफ्ट कर लिया। हम सब लोग, हमारा पूरा हाउस इस बात पर आक्रोशित है, रोष है कि बिना बार को सहमति के वो अचानक यहाँ से रात के समय में क्यों ले गए। जब इसे हम आंदोलित हैं, हमने मुरादाबाद में कई जगह कलेक्ट्रेट कंपाउंड के बिल्कुल बराबर में कई जगह उन्हें सजेशन किया कि वहाँ रख लें, आप वहाँ ले जाएं, लेकिन वो उन्हें ना करके नया मुरादाबाद ले गए हैं। हमारा तभी से आंदोलन है। आज की मीटिंग हमारी सीनियर की मीटिंग थी, 22 मेम्बरान की, जो हमारे बहुत सीनियर हैं और पूर्व अध्यक्ष व सेक्रेटरी भी हैं। आज ये तय हुआ है कि हम जन प्रतिनिधियों से मिलेंगे, DJ और DM से भी फिर दोबारा मिलेंगे, उन्हें अपनी समस्याओं का और जो हमने जगह नई सजेस्ट करी है बिल्कुल कलेक्टेड यानी SSP कार्यालय के बिल्कुल बराबर में, उनको भी हम अवगत कराएंगे। इसके बाद हमारा यही उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कलेक्ट्रेट कंपाउंड में ही वो अपना ऑफिस ले आएँ, शिफ्ट करें और काम शुरू करें। बात निगेटिव रही तो फिर क्या आंदोलन आपका जारी रहेगा? जी नहीं, अगर बात हमारी नहीं मानी गई तो हम उस बात को जनरल हाउस में रखेंगे। जनरल हाउस अगर हमें परमिट करता है कि हाँ मान लो तो मान लेंगे, नहीं मानेंगे तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। नहीं, आधारित तो इन दोनों के साथ साथ है, DJ और DM के। वो जो भी हमें आश्वासन देंगे लिखित में लेंगे उनसे, जो हम अपने जनरल हाउस पर रखेंगे। अगर जनरल हाउस उस पर एग्री हो गया तो सही है, नहीं है तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारा कार्यालय मुरादाबाद कचहरी प्रांगण में नहीं।